तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो एमपीएल के अंदर एक नया गेम आया हुआ है क्विज वाला, जिसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब देकर आप उसमें पैसे जीतते हैं। तो किस तरह का है ये गेम और इसके अंदर कितने सवाल आपसे पूछे जाते हैं और किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें गेम खेल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह ये गेम खेला जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखते रहना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमपीएल गेम आपके सामने खुला हुआ है। जैसे ही इसे थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्विज वाला गेम। बहुत से लोगों के पास अभी तक ये आ गया है और बहुत से लोगों के पास अभी तक नहीं आया। जिन जिन भाइयों के पास आ गया वो थोड़ा कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई हमारे पास आ गया, और जिन भाइयों के पास अभी तक नहीं आया वो थोड़ा सा वेट करें, 24 घंटे के अंदर सभी के गेम के अंदर ही आ जाएगा। तो जैसे ही हम इस गेम को ओपन करते हैं तो आपको इनके अंदर बैटल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये तो साफ हो गया कि ये कोई टूर्नामेंट वाला गेम नहीं होने वाला। इसमें आपको केवल बैटल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कैश वाले और टोकन वाले बैटल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो कन्फर्म होगा कि इसमें कोई भी टूर्नामेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल बैटल वाले गेम होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें 8 सवाल का जवाब देना होगा, और आप तो जानते हैं कि इसमें दो लोगों को आपस में खिलाया जाता है, और जो बंदा ज़्यादा सवालों का जवाब देगा वह इसको विन कर जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी की, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सवाल पूछने की कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मोस्टली आपसे इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, जीके, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड एनवायरमेंट के बारे में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारा गेम प्ले कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ सके कि किस तरह से खेला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अब लाइव एक गेम खेलकर दिखा देता हूँ। 2 रुपये वाला मैं प्ले कर लेता हूँ। तो हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है और ये प्लेयर्स को सर्च कर रहा है, तो ये हमारा ओपोनेंट भी खेलने के लिए आ गया। तो दोस्तों, फर्स्ट मुझसे जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो मैंने सही इसमें दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कल्चर से, तो इसका मुझे लगता है भांगड़ा सही होगा। क्या हुआ? अरे वो तो ओपोनेंट भाग गया, क्योंकि दोस्तों अभी नया नया गेम है, तो ऐसे ही करते हैं, लोग प्ले कर लेते हैं फिर बीच में उनको समझ में नहीं आता, उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आया और उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये छोड़कर चला गया और मैं इसमें जीत गया। अब मैं आपको एक बार और खेल के इसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हमारा गेम वापस से प्ले कर लेते हैं। तो ये सर्च कर रहा है ओपोनेंट को, तो ये ओपोनेंट भी आ गया। तो यहां पर हम दोनों के आपको पॉइंट दिख जाएंगे। तो इसका आंसर तो हम दोनों ने गलत दिया है। तो इसका भी दोनों ने गलत दिया है। तो इसका आंसर मैंने बिल्कुल सही दिया है। तो इसका आंसर ही बिल्कुल सही दिया है। अब इंडियन जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही। अब वर्ल्ड जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका तो आंसर बिल्कुल नहीं पता, अंदाज से दिया वो भी गलत निकला। अब दोबारा वर्ल्ड जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो इसका भी पता बिल्कुल नहीं, अंदाज से लगाया गलत दोनों। तो हमारा रिजल्ट निकलेगा कि कौन जीता है उसमें, कौन हारा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आंसर दिए उसमें लगभग मैंने 4 आंसर सही दिए थे, तो मेरे जो पॉइंट हुए थे वो हुए थे 11 पॉइंट और इस ओपोनेंट के पॉइंट हुए थे 9 पॉइंट, तो इसमें मैं जीत गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से जीत लिया, जबकि मुझे तो इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अगर आपको इन क्विजेस के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज है तो आप इसमें हर बार बैटल लगाकर आसानी से जीत सकते हैं और काफ़ी सारा इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मन में अभी किसी प्रकार का कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, आप बताना कि आपके गेम में अभी तक क्विज वाला गेम आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना।